छत्तीसगढ़ जिला बालोद के अंतर्गत ग्राम मोहंदी गांव में एक ऐसी महिला जो उद्यमी बनी है और सफलता पाई है। बैलगाड़ी का चक्का बनाना पुरुषों का काम माना जाता है समाज में, लेकिन उन्होंने कर दिखाया है। एक महिला उद्यमी के रूप में अपने इस फर्म को सफल रूप से संचालित कर। किसान हमारे 100 किलोमीटर के अंदर आते तो मेरे पास किसान ही आते हैं। बड़े खुशी से आते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर वैरायटी मिलती है, अपने पसंद का माल मिलता है जो उनको चाहिए और चीप रेट रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ कम रेट में किसानों की सुविधा के लिए देते हैं। रहा सवाल ले जाने का, तो मेरे पास ड्राइवर है आज की डेट में, पहले तो हम खुद ही चलाते थे, लेकिन विषम परिस्थिति में जिस दिन ड्राइवर नहीं आया और किसान मेरे पास आया कि मेरे को आज ही चक्का चाहिए, तो मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं कमर्शियल गाड़ी भी चला के इस चक्के को उस किसान के घर तक पहुँचाती हूँ और वो किसान गदगद हो जाता है कि मालिक छोड़ने है। चला के ड्राइविंग करके किसान के घर स्पॉट में छोड़ने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि काम वर्क इज वर्शिप, काम ही हमारी पूजा है। हम उस अन्नदाता की सेवा करते हैं तो वो दिल से खुश हो जाता है और हमको दुआ देता है। लोहे का जो चक्का बना रहे हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से काफी फायदेमंद है और हमारे पोस्टरों में लिखा रहता है लोहे का चक्का प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा में दो सहयोग। हाँ। और इसमें रीसेल वैल्यू है। हाँ। यानी रीसेल वैल्यू कैसे कि हम जब कभी भी बेचेंगे लोहे का है ना, तो उसमें मूल्य देके जाएगा। और लकड़ी का चक्का कहीं भी टूट सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कोई वैल्यू भी नहीं है आग जलाने के अलावा। नंदी धाक ने जो काम की है ये बहुत अच्छा लगा देखने के बाद और जानने के बाद, इसलिए इस वीडियो को मैं बनाई हूँ। वीडियो देखने वाले लोगों से भी मैं अपील करती हूँ कि इस वीडियो से प्रेरणा लें और महिलाएं आगे बढ़ें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।